गाइस गुड मॉर्निंग। यार आज का ब्लॉग ना स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली यार कल तो गाड़ी हमारी लोड नहीं हो पाई, तो अभी यहीं पे खड़े हैं। अभी 10:30 बज चुके हैं, तो 11 बजे से लोडिंग स्टार्ट करेंगे। तब तक ना एक काम है जो कि वो काम कर लेते हैं। अब गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, यहाँ पर आपको दिखाऊँगा कि यहाँ से ट्रैक्टर अंदर कैसे लोड होते हैं इस कंटेनर में। और अभी चलो ये काम है ना कर लेते हैं। जो दिख रहा है ना ये जो वाइट पट्टी जो लगी है, इसके कोने कोने अपना लाल लाल वाला रेडियम मारेंगे, ऐसा वाला जो रेडियम है ना लाल लाल मारेंगे कि दूर से गाड़ी अगर नहीं दिख रही है तो वहाँ पे दिखेगी, क्योंकि सबके में इंडिकेटर लगा होता है। तो मेरे में इंडिकेटर नहीं लगा है, वहाँ पे कोने कोने पे लाइट लगी रहती है, तो इसके लिए वहाँ पर ना अभी रेडियम मारते हैं। तो निकालते हैं गाड़ी से रेडियम और मारना स्टार्ट करते हैं भाई, क्योंकि बैठे बैठे कुछ तो काम कर लिया जाए। तो अभी रेडियम निकलते हैं। वैसे ये वाली सामने का जो ग्रीन ग्रीन ग्रोसरी ग्रास घास लगा हुआ है ना, वो अच्छा लग रहा है। घास नहीं है, ये पेड़ है, ऐसे पेड़ आते हैं छांट छांट के इसको डिज़ाइन बनाया जाता है। मस्त है भाई, कमेंट में ज़रूर बताना। तो भाई बताओ अब कैसा लग रहा है, लगा दिया फाइनली स्टिकर रेडियम। तो ये रात में जब लाइट जलेगी ना, इनमें जब लाइट का फोकस जाएगा तो ये चमकते हैं, तो पता चलता है गाड़ी आगे है। तभी लगा दिया, क्योंकि भाई थोड़े ही रेडियम थे ना, इसके लिए दो कलर लगाया, लाल और पीला। वैसे देखने में तो अच्छा लग रहा है, एक बार आप भी कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। अभी यहाँ पे आपको साफ दिख नहीं रहा होगा ना, तो एक बार मैं आपको कहीं ऐसी जगह गाड़ी खड़ी करके ना जहाँ पर साफ दिखे दिखाऊँगा, ठीक। तो अभी बोल रहे हैं कि फलका खोलो, तो भाई मैं तो कब से रेडी हूँ। तो भाई ये प्लगिंग कर दिया और उसके बाद चलते हैं आप फलका फटाफट ना खोल देते हैं भाई, क्योंकि भाई मैं सोच रहा हूँ फटाक से लोड हो जाए निकलो, क्योंकि यहाँ पे यार लैटरिन करने का व्यवस्था नहीं है, सुसु करने का भी व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए। तो भाई चलो फलका खोलते हैं फाइनली, और क्या करें भाइयों। तो अभी दो गाड़ियाँ और आ गई थी जो कि लोड होने के लिए, खोलते फटाफट। तो भाई जितने भी ड्राइवर से बेल्ट और स्टॉपर थे ना वो सारे बाहर निकाल दिए, और जो जहाँ पे रखना था वहाँ पे फाइनली रख भी दिया। तो चार स्टॉपर और चार बेल्ट, यहाँ पे भी तीन दिख रहे हैं ना, तो एक फिर लाऊंगा, और यहाँ पे दो है और चार स्टॉपर एक एक टंगा हुआ है, और यहाँ पे पूरे फुल चार बेल्ट चार स्टॉपर और सामने दो बेल्ट दो स्टॉपर, तो ऐसे रख दिया। अब बस ट्रैक्टर लोड होंगे और लोड होते भाई बस बेल्ट मारना रहेगा, और सामने ट्रैक्टर बाहर करके लगा रहे हैं, अंदर अंदर चला रहे हैं भाई। और इन ट्रकों पे भाई ट्रैक्टर लोड होके आते हैं, ये जो फट्टा टेलर जा रहे हैं ना, फट्टा टेलर नहीं है बॉडी टेलर है, इन पे जा रहे हैं लोड हो के, और यहाँ पे खाली हो जाएगा। खाली हो के भाई जो जहाँ का लोड है वहाँ अपना जाता रहेगा। ये चीज़ ना बनता कहीं और पर है, और यहाँ पे लाते हैं, और यानी ये वेयर हाउस बोला जाता है ना भाई, जो भी हो आप समझदार हो कितना समझ जाओगे, अगर नहीं समझ पा रहे ना तो भाई ये जो डब्बे बड़े बड़े दिख रहे हैं ना ये सब वेयर हाउस है। तो इनमें सामान जो दूर दूर से आके ना इकट्ठा होता है, इकट्ठा हो के फिर जहाँ जाना रहता है, जैसे कि मान चलो अभी यहाँ फरीदाबाद में, फरीदाबाद से तमिलनाडु कर्नाटक बेंगलोर जहाँ भी जाना रहेगा ना वहाँ से ये लोड होगा। जैसे हमारा जो बड़ा बड़ा कंटेनर है इन कंटेनरों में लोड होता है, और जो छोटे के सामान होते हैं वो छोटे सामान लोड होते हैं वहाँ पर, देखो छोटी छोटी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। कैसे लोड हो के भाई दूर दूर तक सामान जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो खाली इसी तरह हमारा भी है ट्रैक्टर, यहाँ से लोड हो रहा है हमारा नागपुर का, और नागपुर हम जाएंगे। तभी ट्रैक्टर बाहर सारे खड़े हो रहे हैं और अंदर से आ रहे हैं। तो भाई वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अगर पुराने हो तो भाई कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और क्या आपको सीखने को मिल रहा है। अगर सीखने को अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो बताओ,
किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बनाता हूँ। और एक बात और, एक भाई बोल रहे थे ना कि जजमेंट का चाहिए, आगे के लिए जजमेंट होता है कि लेफ्ट राइट का, वो जजमेंट चाहिए ना, वो जजमेंट में आपको बताऊँगा, तो वो अलग से वीडियो बनाऊँगा कि लेफ्ट राइट का मतलब जजमेंट कैसे मिलाया जाता है और कैसे अंदाजे से गाड़ी चलती है, उसका भी मैं भाई डिटेल्स में बनाऊँगा, क्योंकि वो भाई ना समझना थोड़ा सा टफ होता है, जो समझ गए उसके लिए टफ नहीं है, जो नहीं समझ पाते ना उनके लिए थोड़ा टफ होता है, क्योंकि मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था। ठीक है, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा, आपको अच्छे से बताऊँगा। तो ये फाइनली देखते हैं अभी कब तक लोड कराते हैं, फलका वैसे खोल के रख दिया हूँ सारे, और बिल्डर वगैरह सब इकट्ठा करके ना रख दिया हूँ। अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं, तो अभी लोडिंग का भी अभी कुछ पता नहीं चला कि यार कब तक लोड करेंगे, तो लंच का भी टाइम भी हो गया, तो चलते हैं ना खाना खा के आते हैं, क्योंकि बाहर भी 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो फाइनली वो उस्ताद को बुला लेते हैं भाई, IVC वाले को, क्योंकि वो भी जाएंगे, बोले थे कि चलना तो बुला लेना, अभी चलते हैं खाना खा के ना, फिर उसके बाद आते हैं, फिर देखते हैं कब तक लोड करते हैं यार, क्या बताएं। वैसे लोड करेंगे दिन भर में, जब भी लोड करें निकलना है रात ही को, ठीक है, इसके लिए चाहे जब को लोड करें, बस लोड कर लेते हैं, यही रहता है कि यार अपने का टेंशन ख़त्म हो जाता है कि गाड़ी लोड हो गई बस जाना है, जब तक लोड नहीं होता तब तक थोड़ा सा दिक्कत रहता है। चलो फिर देखते हैं कब तक लोड करते हैं, पहले अभी चले खाना खा के आ जाएँ, क्योंकि भाई पेट पूजा बहुत ज़रूरी है। आज का दूसरा दिन, तो भाई बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, यहाँ पे कल गाड़ी अपनी खड़ी की थी, आज देखो कोई गाड़ी नहीं है, वैसे रास्ता सही है। और फाइनली एक गाड़ी सामने एक TCI की है, और यहाँ पे देख सकते हो लाइन से गाड़ियाँ फोर्स की खड़ी है, जो कि भाई वर्कर्स लाते हैं, इसमें स्टॉप की गाड़ी होती है, जैसे कि कंपनी में काम करने वाले स्टॉप इसमें आते हैं। ये मेरे ट्रैक्टरों की लाइन लग गई भाई, अब ये सारे ट्रैक्टर जाएंगे अपने में, साइलेंसर भी निकलेगा, टूल्स आएंगे, उसके बाद अंदर जाएगा। तीन आए हैं, चार ट्रैक्टर ऊपर जाएगा। भाई अपनी गाड़ी ना लोड हो के कंप्लीट, अभी देख सकते हो दो गाड़ी हैं, IFG LFG भाई और फिर पलिया, दोनों गाड़ी कंप्लीट हो गई लोड हो के। अभी यार नागपुर के रवाना होना है, पर अभी यार आगे ना थोड़ा जाम ज़्यादा मिलता है, इसके लिए अभी यहीं पे थोड़ा रुकना पड़ेगा, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे, नहीं तो यार उधर सिंगल रोड है, थोड़ा इसी है यानी 2 किलोमीटर लगभग, पर बहुत जाम लगता है उधर, क्योंकि सिंगल रोड है और बड़ी गाड़ियां जितनी भी आती हैं वहां से ही निकलती हैं। और अभी इस पर 9 ट्रैक्टर लोड हैं, जो कि ट्रैक्टर के बच्चे हैं छोटे छोटे, तभी ये खाली हो रहे हैं, तो देखो भाई कैसे खाली हो रहा है, छोटे ट्रैक्टर क्या ले रहे हैं भाई, इस पर छोटे ट्रैक्टर हैं और उस पर बड़े ट्रैक्टर। अभी ये ट्रक आगे जाएगा, इसके बाद 2 उतरेंगे, फिर आगे जाएगा, फिर 2, ऐसे कर करके ना एक एक उतरते हैं,
कुबोटो, और ये हैं बड़े ट्रैक्टर और फिर छोटे ट्रैक्टर। और वो वाला ना भाई, इन सबसे बड़ा ये वाला है। अभी फ़िलहाल देखते हैं, अभी निकलते हैं आगे के लिए, क्योंकि ये वाली गाड़ी जो है ना, ये हटेगी फिर उसके बाद मेरी गाड़ी टर्न ले पाएगी, या ये गाड़ी पीछे आ जाए तब टर्न लेगी, नहीं तो आगे ना जगह थोड़ा कम है। इसके लिए अभी रुके हैं, अभी निकलेंगे। अभी ये सारे ट्रैक्टर खड़े हैं भाई लोड होने के लिए। ये रात, मतलब रात होते होते ना ये सारे ट्रैक्टर लोड हो जाएंगे। और बाहर ना तीन चार गाड़ियाँ और बाहर खड़ी हैं। अभी एक टायर इधर, एक टिलर देख सकते हो, वहाँ पे भी लोड हो रहा है। वहाँ पे भाई यही वाली कंपनी वहाँ पे भी है। अभी फिर ये वाली ट्रैक्टर उतरने जा रहा है भाई नीचे। क्या मेरा ये है, शाम के 7:30 बज रहे हैं और हम ना अभी अपने गोदाउन से ट्रैक्टर लोड करके निकल चुके हैं। तो अभी यार सामने ना जाके यार देखते हैं कहाँ पे गाड़ी रोकते हैं या निकलते हैं। वैसे बता रहे हैं कि यार अंदर गाड़ी नहीं रोकनी है, सीधा बाहर जाके खड़ी करो, और बाहर देखते हैं कि जगह कहीं पर है या नहीं, और लगाते हैं फिर यार खाना पीना खा के ना यहाँ से निकलेंगे। बाहर आ गए भाई और गाड़ी ना यहाँ पे पार्क कर दी। ये जगह पूरा खाली रहता है दिन में, यहाँ पे कार लगी रहती है। आपको दिखाया भी था दिन वाले ने। अभी फ़िलहाल यहीं पे खड़ी करते हैं, और थोड़ी बैटरी डाउन है तो इसके लिए ना बैटरी थोड़ी चार्ज करते हैं भाई। तो बैटरी चार्ज जाएगी और हम चलते हैं वहाँ से ना कुछ खा पी के, और यहीं पर लंबा हो जाते हैं, सोते हैं भाई, क्योंकि यहाँ से सुबह में निकलेंगे। अगर रात में निकलेंगे ना तो यहाँ पे मतलब जाम ज़्यादा लगेगा। सामने देख सकते हो कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो अंदर से जाना है और जाम ज़्यादा लगेगा, दिक्कत हो जाएगी। यहीं पे हम रुकेंगे और फिर निकलेंगे सुबह में, सुबह भोर भोर में निकलेंगे। तो देखते हैं अभी अगर कोई नहीं भगाएगा ना यहाँ से, क्योंकि कितनी बार होता है यार गाड़ी खड़ी किया हूँ, ये रात भर खाली रहता पर लोग खड़ी करने नहीं देते हैं। इसके लिए देखते हैं अभी क्या होता है। और ये JCB का भाई कंपनी है, यहाँ पे JCB मैन्युफैक्चर होती है, यहाँ से लोड वोड होकर ना जाती हैं। जैसे कि अभी 2-3 ट्रक अंदर लगे हुए हैं, वो सब जितने ऊंचे ऊंचे दिख रहे ना वो ट्रक पे लोड है JCB। तो भाई अभी चलते हैं नाश्ता करते हैं, यहाँ पे नाश्ता नहीं खा लेते हैं, खाना खा के फिर उसके बाद यहीं पर आराम करेंगे।